जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक लोचा में। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास ये ओ जनरल इन्वर्टर एसी का पीसीबी है। पीछे से कुछ इस तरह का है। इसमें प्रॉब्लम यह आ रही है कि कंप्रेसर 40, 45 या 50 सेकंड चल करके बंद हो जाता है, ऐसा हमें कस्टमर ने बताया है। और यह इस तरह का इसका इंडोर है, आप देख सकते हैं, यह इसका इंडोर है पीछे से इस तरह का, यह इसका इंडोर है, यह इसके साथ रिमोट है। तो ये सारी चीजें इसके साथ हैं और आप देख सकते हैं ये दो इंडक्टर वाला पीसीबी है ओ जनरल का। तो आज हम इसे चेक करेंगे। चेक करने के लिए जो फिजिकली नज़र आ रहा है वह इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ से कुछ सर्किट बर्न हो गया है, गेट ड्राइवर सर्किट है शायद ये, यहाँ पर एक शंट भी बर्न हो गई है। तो हम देखेंगे और इसमें क्या क्या डैमेज हुआ है और गेट ड्राइवर सर्किट को रिपेयर करेंगे, शंट लगाएंगे इसमें। जैसे जैसे रिपेयर करेंगे वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप आपको भी सिखाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गेट ड्राइवर सर्किट है जो बर्न हो गया है और यहाँ से एक शंट बर्न हो गई है। तो ये हम करेंगे रिपेयर। इंडोर दिखाते हैं इसका नज़दीक से आपको कैसा इंडोर है। तो ये आप देखेंगे कुछ इस तरह का इंडोर है, इस तरह का इसका इंडोर है। मल्टीमीटर लेते हैं, मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी पर लगाएंगे और देखेंगे एरर तो नहीं है। यहाँ पर देखेंगे साथियों शॉर्ट के लिए गेट कलेक्टर, तो आप देख सकते हैं गेट कलेक्टर भी शॉर्ट हुआ है इसका, और कलेक्टर अमीटर, कलेक्टर अमीटर भी इसका शॉर्ट हुआ है। ये देखेंगे ये तो ठीक है, ये शॉर्ट तो नहीं है जी, ये ठीक है। हाँ, ये वाला शॉर्ट नहीं है, तो इसकी शंट भी नहीं ख़राब हुई है। ये आप देख सकते हैं शंट भी इसकी ख़राब नहीं हुई है। और सबसे पहले हम इसको काट करके बाहर निकाल देंगे, कट करके बाहर निकाल देंगे, क्योंकि पहले इसका गेट ड्राइवर सर्किट रिपेयर करना होगा। तो हम इसे पहले कट करके बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि पहले तो हमें इसका गेट ड्राइवर सर्किट रिपेयर करना होगा। नंबर साथियों आप देख पा रहे हैं GAF 40N60, GAF 40N60। अब हम इसके गेट ड्राइवर को देखेंगे किस तरह से बर्न हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे बर्न हुआ है ये। यहाँ से हम इसे थोड़ा साफ़ करेंगे जहाँ से बर्न हुआ है। तो आप देख सकते हैं साथियों यहाँ से शंट बर्न हुई है और यहाँ से इसका गेट ड्राइवर सर्किट भी बर्न हुआ है। यहाँ से साथियों आप देख सकते हैं इसकी शंट बर्न हुई है, तो हम इसके शंट लगा देंगे। सबसे पहले शंट की जगह को आपको क्लीन करके देखना होगा। तो इस तरह से पेस्ट लगा के हम इसे क्लीन करके देखेंगे, तो आप देख सकते हैं जगह ठीक नहीं है, बर्न हो गई है जगह भी। यहाँ से साथियों आप देख रहे हैं ये जो जगह है, ये जो प्रिंट है, ये प्रिंट भी यहाँ से जल गया है, रेजिस्टेंस लगाने की जो जगह है। अब हम इसमें ये रेजिस्टेंस लगाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 mΩ की रेजिस्टेंस लगी हुई है और ये हमारे पास 20 mΩ की रेजिस्टेंस है। तो इसमें हम यहाँ दो रेजिस्टेंस लगा देंगे, 20 mΩ की दो रेजिस्टेंस लगा देंगे, तो दो रेजिस्टेंस मिलकर 10 mΩ हो जाएगी। तो यहाँ पर तो ये आ नहीं पाएगी और सेम रेजिस्टेंस भी यहाँ पर नहीं लग पाएगी, क्योंकि सेम रेजिस्टेंस की जगह भी यहाँ से छोटी पड़ जाएगी, ये शोल्डर करेंगे तो छोटी पड़ जाएगी और यह वाली जगह भी छोटी पड़ रही है। यहाँ भी हम शंट लगा सकते हैं इस तरह से, आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर एक शंट लगा दी जाए और इसमें यह जो शंट है यह 20 mΩ की है, तो दो पैरेलल लगाएंगे तो ये 10 mΩ हो जाएगा। तो इस तरह से भी यहाँ पर शंट लगाई जा सकती है और यहाँ पर भी लगाई जा सकती है। साथियों आप देख पा रहे हैं इस तरह से हमने इसको स्क्रैच किया है। यहाँ हम थोड़ी सी पेस्ट लगाएंगे, ये थोड़ी अच्छी वाली पेस्ट है। इस तरह से हम यहाँ शोल्डर कर देंगे।
शंट आपको यहाँ शोल्डर करनी है, इस तरह से आपको शंट रख देनी है और फिर ये शोल्डर करनी है। तो शोल्डर करते समय अगर वहाँ शोल्डर नीचे रहेगा तो शंट थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि शंट की वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी। तो ज़रूरी है कि शंट को इस तरह से शोल्डर करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ शंट लग चुकी हैं। इस तरह से आपको सरफेस से टच करते हुए शंट को लगाना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर हैं और यह है इसका गेट ड्राइव करने के लिए। अभी आप देख सकते हैं यह बीप पर है और यहाँ से देखेंगे तो ये कनेक्ट है। अच्छा, ये हमारा कनेक्ट हुआ या नहीं वो भी देखेंगे। तो ये शंट से कनेक्ट हो गया है। तो यह जो दो ट्रांजिस्टर हैं, यह दो ट्रांजिस्टर आप देख सकते हैं, यह तो बिल्कुल ही जल गया है और यह भी यहाँ से जल गया है। तो ये हम दोनों ट्रांजिस्टर चेंज करेंगे। और यह वाला ट्रांजिस्टर आप देख सकते हैं यहाँ अमीटर के साथ कनेक्ट है। यह IGBT का अमीटर है और यह ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है। तो यहाँ हम ट्रांजिस्टर लगाएंगे। पहले हम यह ट्रांजिस्टर निकाल लेंगे, दोनों ट्रांजिस्टर निकाल देंगे। थोड़ा प्रिंट क्लीन करना होगा हमें। अभी आप देख सकते हैं कि ये हमने क्लीन किया है तो PCB थोड़ा साफ है, लेकिन यहाँ लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम हमें होने वाली है। यहाँ पर PNP ट्रांजिस्टर लगेगा, यह अमीटर के साथ कनेक्ट है कलेक्टर, इसलिए। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं PNP ट्रांजिस्टर। यह आप देख सकते हैं हमारे पास ट्रांजिस्टर है SMD और इसका SMD कोड 3B है। यह ट्रांजिस्टर हम यहाँ पर लगाएंगे। यह PNP ट्रांजिस्टर है साथियों। अब यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगा रहे हैं हम, यह NPN ट्रांजिस्टर है और ये आप देख सकते हैं कि इसका कलेक्टर यहाँ आएगा, बेस यहाँ आएगा और अमीटर का प्रिंट यहाँ से बर्न हो गया है। तो कोई बात नहीं, वहाँ छोटा सा जम्पर हम लगा देंगे। इसको पहले यहाँ लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से यह ट्रांजिस्टर लगा है और इसके अमीटर से और यहाँ हमें जम्पर देना होगा। जम्पर के लिए हम आयरन यूज करेंगे साथियों। तो आप देख सकते हैं यह इसकी पिन है अमीटर वाली। और ये हमें जब इस टाइप का गेट ड्राइवर सर्किट होता है तो ट्रांजिस्टर वाला, तो दोनों के अमीटर आपस में कनेक्ट होते हैं। तो ये अमीटर वाला ही प्रिंट है, हम यहाँ से इसे शोल्डर कर देंगे। यहाँ से भी ये शोल्डर हो गया है। तो क्योंकि बहुत छोटा जम्पर है, हीट ट्रांसफर हो जाती है बहुत जल्दी और हम इसे कट कर देंगे। क्लीन करके देखते हैं कैसा हुआ है यह। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यह हमने ट्रांजिस्टर लगा दिए गेट ड्राइव करने के लिए। अब हम इसे उल्टा करके देखेंगे।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गेट ड्राइव के लिए रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो हम देखेंगे कौन कौन सी रेजिस्टेंस ठीक है और कौन कौन सी रेजिस्टेंस खराब है। एक दो तीन, तीन रेजिस्टेंस इसके लिए हैं। अभी साथियों हम इसकी रेजिस्टेंस चेक करेंगे। यह जो रेजिस्टेंस है यह ठीक है या खराब है, तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं 22 ओम की रेजिस्टेंस है, ये आप देख सकते हैं मेगा ओम में जा रही है, खराब है। यह भी मेगा ओम में जा रही है, 47 ओम की रेजिस्टेंस है। 470 ओम की रेजिस्टेंस है, यह भी मेगा ओम में जा रही है, तीनों ही रेजिस्टेंस खराब है। यहाँ एक 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, हाँ ये ठीक है 10 किलो ओम। इसमें भी एक 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस है जी, ये सही है। और 47 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पर भी है, तो आप देख सकते हैं ये सही है। ये 22 ओम की रेजिस्टेंस ये खराब है, आप देख सकते हैं किलो ओम में जा रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 471 ओम की रेजिस्टेंस है, यह भी मेगा ओम में जा रही है। टोटल मिलाकर सिर्फ ये 47 ओम की रेजिस्टेंस ठीक है। एक दो तीन चार पाँच, ये पांच रेजिस्टेंस यहाँ पर ख़राब हैं, तो ये पांचों रेजिस्टेंस हम चेंज कर देते हैं। पहले साथियों हम ये सारी रेजिस्टेंस निकाल देंगे और फिर हम इन्हें नहीं लगाएंगे। ये 47 ओम की रेजिस्टेंस ठीक है बस। ये सारी रेजिस्टेंस हमने निकाल दी हैं, आप देख सकते हैं। और अब हम यहाँ रेजिस्टेंस लगाएंगे दूसरी, ये 22 ओम रेजिस्टेंस है, यह दूसरे IGBT की 22 ओम रेजिस्टेंस है, यह 22 ओम 22 रेजिस्टेंस है दूसरे IGBT की। तो ये आप देख सकते हैं सभी रेजिस्टेंस लग चुकी हैं। हम एक बार इन्हें चेक भी करेंगे कि ये सभी ठीक है कि नहीं है। मल्टीमीटर लेंगे और सबसे पहले देखेंगे 47 ओम, ये आप देख सकते हैं थोड़ी गर्म होने की वजह से रीडिंग इसकी कम हो गई है। यहाँ पर देखेंगे 22 ओम और यहाँ पर देखेंगे 22 ओम और यहाँ पर 47 ओम, ये 470 ओम और यहाँ पर ये अभी 470 ओम। तो अभी साथियों हम क्या करेंगे, ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास दूसरा IGBT है, सेम बोर्ड से निकाला हुआ है, तो ये हम यहाँ पर लगा देंगे। सेम नंबर है, हम इसे शोल्डर कर देंगे। इस IGBT में अगर आप चेक करेंगे तो इसके अंदर फ्री व्हीलिंग डायोड नहीं होता है। तो जब आप इसे डायोड मोड पर चेक करेंगे तो यहाँ पर आप इस तरह से देखेंगे, आपको डायोड की रीडिंग नहीं मिलेगी। जो डायोड की ड्रॉप वोल्टेज मिलती है 500-600 मिलीवोल्ट के करीब, वो नहीं मिलेगी। और सेम इसमें भी देखोगे तो सेम इसमें भी नहीं मिलेगी। तो ठीक है, ये IGBT लग गया, गेट ड्राइवर सर्किट रिपेयर हो गया। अब हम इसको एक बारी ऑन करके देखते हैं। ऑन करके मीन्स इसके ये IGBT वर्किंग में लाकर देखते हैं। IGBT हमारे लग गए हैं, गेट ड्राइवर हमने ठीक कर दिया है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इस बोर्ड में PFC कंट्रोल करने के लिए अलग से IC लगी होती है। इस IC का नंबर साथियों R2A20114 यानी कि R2A20114 ये IC है जो PFC कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर लगी होती है। तो यह IC भी हमें चेक करनी होगी, शॉर्ट वगैरह तो नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हाँ यहाँ पर साथियों आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ से
भी कुछ जल गया है। इस आईसी को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा होता है। अभी हम चेक करके देखते हैं। मल्टीमीटर को हम डायोड मोड पे कर लेंगे और यह जो आईसी है इसकी 28 नंबर पिन वीसीसी होती है, तो हम 28 नंबर पिन यहाँ से चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं 00 शॉर्ट आ रही है और इस कैपेसिटर पे भी आती है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी आईसी यह वाली शॉर्ट है, इसीलिए वीसीसी वाला भी वीसीसी ऑन ऑफ करने वाला भी ट्रांजिस्टर यहाँ से बर्न हो गया। अभी हमने इसमें गेट ड्राइवर को रिपेयर किया है, IGBT डाल दिया और शंट लगा दी है। तो अब साथियों हम फिर से मिलेंगे इसी PCB के साथ इसके पार्ट टू वीडियो में और इसके PFC को ऑन करके देखेंगे, अगर ऑन नहीं होगा तो रिपेयर करेंगे। आज की वीडियो में साथियों इतना ही, फिर मिलेंगे पार्ट टू में। जय हिंद, जय भारत।